सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पुत्रदा एकादशी के नाम से एक एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में भी आती है। इस समय मैं आपसे पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। संतानहीन व्यक्तियों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन कराकर इस व्रत का समापन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस व्रत के संबंध में एक कथा है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। सुकेतुमान के कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। निसंतान होने के कारण वह सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी सुख प्राप्त नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिसके घर में पुत्र न हो उसके घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा के मन में अशांति ने घर कर लिया था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठकर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वन्य जीवों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। बंदर भी अपने बच्चों को सीने से चिपकाए इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। पक्षी अपने बच्चों की चोंच में दाना डाल रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ तो कहीं उल्लू विचित्र प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार काफी समय निकल गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख ही प्राप्त हुआ, क्यों? अचानक राजा को प्यास लगने लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ शकुन समझा। राजा घोड़े से उतर गया। राजा ने सरोवर के किनारे कुछ मुनियों को देखा। राजा ने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा से आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में संतान होगी।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने राजमहल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो साथियों, पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।